दोस्तों टीचिंग और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए तीन नोटिफिकेशन इस सिंगल वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किए जाएंगे। दो नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालयों की तरफ से और एक आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से आ रहा है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और एक एक करके तीनों नोटिफिकेशन बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। ये है पहला नोटिफिकेशन जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर की तरफ से जारी किया गया है। यह है ऑफिशियल वेबसाइट aps.jalandhar.com। यहां पे नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट आई है अडहॉक बेसिस की, मतलब 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए आपकी ये वैकेंसियां हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, बी लिब साइंस आपने कर रखा हो या फिर ग्रेजुएट आपने कर ग्रेजुएशन कर रखी है, उसी के साथ साथ डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में आपने कर रखा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए बी लिब साइंस या ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपने कर रखा हो तो आप एलिजिबल, आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन और लाइब्रेरी अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है। अपर एज लिमिट 40 साल है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 57 साल निर्धारित की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर CBSE अफिलेशन बायलाज आपके पास होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे तक है। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वही एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर कैंट के रिसेप्शन काउंटर पर प्रातः 9 से 11 बजे तक जमा करा देना है 11 जुलाई 2024 तक। और 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लगाना होगा जो कि आपका होना चाहिए इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर कैंट। दोस्तों इसके बाद जो अगली रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट आ रही है 17/2024-25 के लिए। अनुबंध के आधार पर TCT कंप्यूटर साइंस पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू 17/7/2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश विद्यालय परिसर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए 2 पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित हो सकते हैं। सत्यापन के लिए योग्यता और अनुभव के मूल दस्तावेज और सभी प्रमाण पत्रों की एक सेट स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी लेकर आए। तो TCT कंप्यूटर साइंस का वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। TCT कंप्यूटर साइंस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA आपने कर रखा हो या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक आपने कर रखा हो, बशर्ते कि कंप्यूटर विज्ञान विषय को सभी वर्षों में मुख्य विषय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE, BTech कंप्यूटर साइंस या IT में आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ BEd आपने कर रखी हो। इस उद्देश्य के लिए NCET द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुसार CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 2 उत्तीर्ण वांछनीय है, ये वांछनीय है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद अगली रिक्रूटमेंट आ रही है जवाहर नवोदय विद्यालय राकोली डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब की तरफ से। यहाँ पे भी वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है TCT कंप्यूटर साइंस का। कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है। 19/7/2024 प्रातः 9 बजे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। क्वालिफिकेशन मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, जो ऊपर वाले नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन थी वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी मान्य है। अपर एज लिमिट 50 साल, 1 जुलाई 2024 को आधार मानते हुए हिंदी और इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज में आप बच्चों को पढ़ा पाएं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, 3 नोटिफिकेशन सिंगल वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।